देखिए प्रभास की सलार और महेश बाबू की जंगल एडवेंचर से काफी सारी अच्छी अपडेट आ गई है जो सुन के आपको ही मजा आ जाएगा। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां दुभाई कल सबसे पहले खुद राजा मौलेश्वर के पिताजी विजेंद्र प्रसाद मीडिया में आके बोल दिए हैं, भैया महेश बाबू की फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट वाला काम खत्म कर दिए हैं, उसके स्क्रीन प्ले का राइटिंग भी ओवर हो चुका है। और मजे की बात यह है, महेश बाबू भी गंडोर कारम को रिलीज करने के बाद ही इस समय 29 का काम चालू भी कर दिए हैं। जी हाँ, इस समय महेश बाबू इंडिया में नहीं है, उनको राजा मौलेश्वर जर्मनी भेजे हैं कुछ फिल्म के काम के लिए। और पता नहीं जर्मनी में जंगल एडवेंचर का क्या काम हो रहा है अभी। वैसे महेश बाबू की फिल्म पूरे इंडिया के बाहर ही बनेगी। VFX वाला कंपनी पेरिस का है जिसका नाम है यूनिट इमेज। फिर उसके बाद फिल्म में कुछ 3D एनिमेशन के लिए राजा मौलेश्वर RR के समय जापान गए थे और उसी समय ही हेडियो कोजिमा से कोलैबोरेट कर लिए हैं राजा मौलेश्वर, जो जंगल एडवेंचर में 3D एनिमेशन का काम संभालेंगे। वैसे हेडियो कोजिमा जापान के एक बड़े गेम डिजाइनर है और साथ में फिल्म का विजुअल में भी ये काम करते हैं। खैर, इनके बाद फिल्म का शूटिंग भी राजा मौलेश्वर इंडिया में नहीं करेंगे, वो शूटिंग होगी अमेजन के जंगल में। यानी महेश बाबू की फिल्म का 90% काम सब कुछ इंडिया के बाहर होगा। यानी फिल्म का शूटिंग से आपको एक भी लीक फुटेज नहीं देखने को मिलेगा। शायद जल्द ही 1-2 महीना में फिल्म का शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बस उम्मीद किया जाए अब की राजा मौलेश्वर ज्यादा समय इंतजार ना करवाएं अपनी मूवी के लिए, कैसे भी 1-2 साल में ही रिलीज कर दें वो महेश बाबू की फिल्म को। बाकी अब चलिए प्रभास की सलार पे आ जाते हैं। एक्चुअली में सलार फाइनली OTT पे रिलीज हो चुका है, वो अभी आज 20 जनवरी को ही, लेकिन केवल साउथ लैंग्वेज में ही, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कनाडा में, और अभी हिंदी का OTT रिलीज नहीं हुआ है। और हाँ, ये होमबाले कंपनी आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लेक्स का बड़ा नियम है। अगर आप अपनी फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्स में रिलीज करते हैं तो आप फिल्म का OTT रिलीज सीधा 57 दिन बाद ही कर पाएंगे हिंदी में। सो इसलिए यहाँ की सारी फिल्में 57 दिन के बाद ही OTT पर आ पाती है। रणबीर कपूर की एनिमल भी अब तक इसी एग्रीमेंट के कारण OTT पर रिलीज नहीं हुआ है। जब उसका 57 दिन कंप्लीट हो जाएगा तब वो आपको OTT पर मिलेगी। वैसे आपको सलार का हिंदी वर्जन अगले महीने 16 या 17 फरवरी को मिल सकती है OTT पर, क्योंकि उस समय ही इसका 2 महीना का मल्टीप्लेक्स का डील खत्म हो पाएगा। खैर, प्रभास की सलार का अब तक बॉक्स ऑफिस पर 405 करोड़ कलेक्शन हो गया है इंडिया में, और वर्सेज मिलाकर सलार ने 623 करोड़ 80 लाख रुपया कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। यानी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है, इसलिए होमबाले कंपनी 2-2 बार सक्सेस सेलिब्रेशन कर लिया है अपने सलार की टीम के साथ। और वहीं शाहरुख खान की डंकी भी बड़ी हिट हो गई है, इसका भी 460 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन हो गया है बॉक्स ऑफिस पर कॉमेडी होने के बावजूद भी। बाकी भाई, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।